चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी है नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, लोग उमड़ कर आए हमारी पार्टी में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष आज पदभार ग्रहण करेंगे। पार्टी ने उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस मौके पर उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी ग्रहण पद कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका काफिला दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए चल पड़ा है। काफिला रवाना होने से पहले नया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले उदय भान ने पिता गयालाल की मूर्ति को फूल अर्पित किए। इसके बाद वे काफिले में शामिल हुए। इस काफिले में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद है। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हर वर्ग के लोग जैसे उमड़ के आ रहे हैं, इससे साफ है कि लोग सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि हम सब कांग्रेसी और कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि उदय भान का काफिला शाम 4 बजे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचेगा। इसके लिए आज रोड शो दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से शुरू हुआ, जो जीटी रोड बेल्ट के जिलों से होते हुए चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचेगा। इस रोड शो के करीब 21 जगहों पर प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान किया जाएगा। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।